हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चोंगे स्पेशल डिश। ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है, मुहर्रम में स्पेशली बनाई जाती है। पहले ये इस तरह से नहीं बनते थे, रोटी से बनाए जाते थे। चलिए इसे देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाई हूँ। मैंने यहाँ 2 कटोरी मैदा ले ली हूँ। अब इसमें हम 1 चुटकी नमक डालेंगे। अब यह हमने देसी घी ले लिया है, 5-6 चम्मच इसमें हम देसी घी डालेंगे। देसी घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यह मैंने 5-6 चम्मच देसी घी डाल दी हूँ। अब हाथों से अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब ये मैदे में घी अच्छे तरह से मिक्स हो गया है। अब हम मुट्ठी बांध के देखेंगे, अगर ऐसी मुट्ठी बंधी तो समझ लेना कि मोयन परफेक्ट है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर रोटी का आटा कैसे बनाते हैं उसी तरह से हम इसका 1-2 बना के तैयार कर लेंगे। पहले चोंगे इस तरह से नहीं बनते थे, उसे रोटी से बनाया जाता था। ये बहुत ही पुरानी डिश है। देखिए इस तरह से हमने मैदे का डो बना के तैयार कर लिया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है उसी तरह चोंगे का भी अब डिज़ाइन बदल रहा है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा घी लगा देंगे और इसे हम रेस्ट के लिए रख देंगे। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं। अब हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेंगे। अब चाशनी बनाने के लिए मैंने यह 1 कटोरी पानी ले ली हूँ और 1 कटोरी ही इसमें हम शक्कर डालेंगे। अब इसमें हम 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। चाशनी को हमें एक तार वाली चाशनी नहीं बनाना है, थोड़ी सी चिपचिपी ही रखना है। देखिए गाइस, अभी हमारी चाशनी भी बन के तैयार हो गई है। इस तरह की हमें चाशनी रखना है, थोड़ी सी चिपचिपी रखना है, हमें एक तार की नहीं बनाना है। अब गैस को हम बंद कर देते हैं। ये हमारी चाशनी बन के तैयार है। अब हम एक मैदे का घोल बना के तैयार कर लेंगे। ये कटोरी में मैंने मैदा ले ली हूँ। इसमें हम थोड़ा देसी घी डालेंगे, 3-4 चम्मच। घी डाल के इस मैदे को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर इसका क्या करना है फिर हम आपको बाद में बताते हैं। देखिए इस तरह का मैंने मैदे का घोल बना के तैयार कर ली हूँ। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब ये जो हमने आटा रखा था रोस्ट के लिए उसको हम थोड़ा सा और मस लेंगे। अब इसे हम सिलेंडर का शेप दे देंगे और फिर इसकी हम छोटी छोटी लोई कट कर लेंगे। देखिए गाइस, मैंने सभी लोई को कट कर ली हूँ। अब इसकी हम रोटी बेल लेंगे। देखिए मैंने ये रोटी बेल ली हूँ। इस तरह से हम सभी रोटियों को बेल के रख देंगे। देखिए ये 6 रोटी बनाकर मैंने तैयार कर ली हूँ। अब मैंने यहाँ देखिए 1 रोटी ले ली हूँ और जो हमने मैदे और घी का घोल बना के तैयार करके रखा था, अब इसको हम चारों तरफ से इसको अच्छे से लगा देंगे। अब रोटी के ऊपर मैंने अच्छे से पूरे चारों तरफ से घी लगा दी हूँ। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे। अब हम दूसरी रोटी भी रख देंगे और इसमें भी हम मैदे का घोल लगा देंगे चारों तरफ अच्छे से। ऐसे हम परत वाले चोंगे बनाएंगे तो ये लच्छेदार चोंगे बन के तैयार होंगे। मुहर्रम में अक्सर हमारे अभी सास के ज़माने में चोंगे बनते थे और हम गेहूं के आटे से चोंगे बनाते थे, फिर उसके ऊपर हम हाथों से ही इसमें हम डिज़ाइन बनाते थे। अब तो चोंगे बनाना बहुत कम हो गया है, पर कई जगह लोग अभी भी चोंगे मुहर्रम में बनाते हैं। सभी रोटियों में अब हमने मैदे का घोल लगा दिया है। अब इसको हम एक टाइट रोल बना के तैयार कर लेंगे। ये बहुत पुराने ज़माने की रेसिपी है, कई लोग भी आज भी इसे शौक से बनाते हैं।
अब इस लोई को हम काट लेंगे। जैसे जैसे ज़माना बदल चुका है उसी तरह ये चोंगे का भी डिज़ाइन बदल गया है, पर जो पुराने ज़माने में चोंगे बनते थे आटे के और हाथों से जो डिज़ाइन बनाया जाता था उसी चोंगे में ज़्यादा ही मज़ा आता था बनाने में और खाने में भी। देखिए गाइस, इस तरह से हमने लोई को हाथों से प्रेस कर लिया है। इसी तरह हम सारे पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। अब इसे हम हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। देखिए हल्के हल्के हाथों से हमने इस तरह इसे बेल लिया है। इसी तरह हमने देखो सभी को बेल लिया है। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। अब देखिए तेल गरम हो गया, इसमें अब हम एक एक चोंगा डाल डाल के फ्राई करेंगे। अब इसे हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। अब ये एक तरफ से गोल्डन हो गया है, अब इसको हम दूसरी तरफ पलट के इसे भी हम हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। देखिए चोंगे का कलर ऐसे ही गोल्डन होना चाहिए, ज़्यादा हमें इसे डार्क गोल्डन नहीं करना है। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कितने लच्छेदार चोंगे बने हैं, ये आपको लच्छे दिख रहे होंगे। देखिए अब ये फ्राई हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे चोंगों को फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये सारे चोंगे हमने फ्राई कर चुके हैं। अब जो हमने चाशनी बना के तैयार करी थी, इस चोंगे को एक एक चोंगे को हम चाशनी में डिप करेंगे। दोनों तरफ से हम इसे डिप करेंगे और फिर इसे हम निकाल लेंगे। अगर मुहर्रम के बाद आपका दिल चाह चोंगा खाने को तो आप मुहर्रम के बाद भी इसे बना के खा सकते हो। इसी तरह हम सारे चोंगों को चाशनी में ऐसी डिप करके निकालते जाएंगे। अब इस चोंगे के ऊपर हमने ये नारियल किस के रखा हुआ था, इसको इसके ऊपर से हम डाल देंगे और कुछ हम ड्राई फ्रूट भी डालेंगे, बादाम और काजू और किशमिश। देखिए हमारे चोंगे बनके तैयार हैं गाइस। उम्मीद है हमारी ये चोंगे की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।